आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुंग हार दो। आदाब, मैं हूँ गिरिराज शर्मा। बात करने से पहले सभी बेरोजगार युवाओं से अपील कि सरल टॉक की आवाज को सब्सक्राइब करके इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ग्रुप स्टेटस फेसबुक ट्विटर और अपने पर्सनल कॉन्टेक्ट पर इस तरह फैला दीजिए कि सरकार के कानों तक हर युवा की आवाज पहुंचे और सरकार युवा की हर मांग को माने। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज बेरोजगार युवा संघ के अध्यक्ष के साथ कई शिक्षक एकत्रित हुए जिनमें महिलाएं भी शामिल थी। बेरोजगार युवा संघ के अध्यक्ष ने बेरोजगार युवाओं से अपील की है कि कल भोपाल में आंदोलन में शामिल हो। अगर आंदोलन अभी नहीं हुआ तो सरकार भर्तियां इलेक्शन के बाद देगी। भोपाल चलो। देखिए, सबसे पहले इस बात का अच्छे से ध्यान रखो, अगर आंदोलन नहीं होगा तो भर्ती सीधे आएगी किसके बाद? इलेक्शन के बाद। और इलेक्शन के बाद भर्ती वो देगा जो इलेक्शन में जीतेगा। जुमले नहीं चलेंगे। इसलिए अगर चाहते हो, इन्होंने कहा है कि 4700 हमने पास कर दिए हैं, देख तो लो 4700। अभी तक तो देख रहे थे कि फाइलें कहीं फिसल नहीं है, फाइलें कहीं अटक रही हैं। अरे भैया, इस बार ना अटकेगी ना सटकेगी। सिंपल है, 4 सितंबर को भोपाल आना है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बेरोजगारों के समर्थन में 3 ट्वीट किए हैं। उन्होंने कहा है कि रोजगार के लिए बेरोजगार दर दर भटक रहा है, अपनी जान तक दे रहा है। कमलनाथ ने अपने अन्य ट्वीट में कहा है कि पुलिस भर्ती को लेकर के हमारी सरकार में प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन हमारी सरकार बीच में गिरा दी गई। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने तीसरे ट्वीट में कहा है कि युवा रोजगार को लेकर के मांग कर रहा है, लेकिन सरकार का रवैया इसमें उदासीन बना हुआ है। देश के भोपाल में बेरोजगार युवा संघ कल अपनी 5 मांगों को रखने जा रहा है। पुलिस भर्ती में अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु 37 साल की जानी चाहिए। इसके साथ ही NRA स्वीकार नहीं होगा और जो परीक्षा की जानी चाहिए वो PV और ऑनलाइन के तरीके से की जानी चाहिए। इसके साथ ही अविलंब SI के 1500 पद और निकाले जाने चाहिए और ये सारे नियम जेल प्रहरी में भी लागू किए जाए। प्रदेश के बड़वानी में बेरोजगार युवाओं ने मंत्री जी से सहायता मांगी है कि उन्हें भोपाल जाने की व्यवस्था की जाए। अगर व्यवस्था नहीं की गई तो बड़वानी में ही आंदोलन करेंगे। बेरोजगार युवा जो है वे सभी यहाँ के जो मंत्री महोदय जो है, जो कि इसी क्षेत्र के विधायक है, उनसे ये बात लेके आए हैं कि जो भोपाल में जो बेरोजगार युवाओं का जो आंदोलन होने जा रहा है उसके लिए आप जाने के लिए हमारी कोई व्यवस्था करें, अन्यथा हम लोग यहीं पे या तो बड़वानी में ही हम लोग फिर अपना धरना या तो यहीं पे करेंगे। मध्य प्रदेश के जिलों में तरह तरह से युवा आंदोलन कर रहा है, अपनी मांग रख रहा है। नीमच में मंत्री जी से मुलाकात की तो मंत्री जी ने युवाओं से कहा कि 1 सप्ताह के भीतर जवाब देते हैं। चलते सरल टॉक की प्रदेश के युवाओं से यही है अपील के सवाल को सब्सक्राइब करके सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ग्रुप स्टेटस फेसबुक ट्विटर और अपने पर्सनल कॉन्टेक्ट पर इस तरह फैला दीजिए कि सरकार तक आपकी आवाज पहुंचे और आपकी हर मांग को माना जाए। सरल टॉक की यही है सभी युवाओं से अपील कि कल भोपाल में शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रखी जाए, अपनी बातें सरकार के सामने रखी जाए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।